वेलकम बैक टू अनंस ऑटोमोटिव। तो गाइस मारुति की जिमनी आज आपके लिए स्पेशल ले आए हैं वीडियो, जो मारुति की भाई नेक्स्ट लेवल ऑफ रोडर एसयूवी कह सकते हैं हम। सबसे पहले मैं वेरिएंट की बात कर देता हूँ। मारुति सुजुकी जिमनी अल्फा टॉप वेरिएंट खड़ा है। दो वेरिएंट में आ जाती है भाई, ये जेटा और अल्फा नेक्सा में अपने। इंजन की बात कर दो भाई, 1500 cc का इसमें इंजन आ जाता है, फोर सिलेंडर, और 103 PS की पावर आ जाती है और 134 Nm का टॉर्क आ जाता है गाड़ी में। तो भाई कई लोग ये कह रहे हैं कि थार से कम पावरफुल है, अगर आप टेक्निकली नंबर्स पे जाओगे तो कम है, लेकिन एक चीज़ ये देखो, इसका वेट भी थार से कम है। तो आपको ऐसे चलाते टाइम ये नहीं लगेगा कि लैगी इंजन है, ऐसा कुछ नहीं है, वेट भी इस गाड़ी का कम है। फ्रंट में बात कर तो भाई ये टॉप मॉडल है, टॉप में मैनुअल, इसमें ऑटोमेटिक भी आ जाती है, ठीक है। फ्रंट में बात कर तो भाई अपने LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं, साइड में इंडिकेटर्स आ जाते हैं, नीचे फॉग लैम्प्स आ जाते हैं, और स्किड प्लेट आप देख सकते हो ब्लैक में अपना बम्पर। साइड में टायर साइज़ की बात करें तो भाई अपना बता देता हूँ आपको, R15 15 इंच के भाई अपने टायर आ जाते हैं एलोई व्हील के साथ। जेटा ले होगा तो उसमें एलोई व्हील नहीं आएगा, इसमें ये टॉप मॉडल है इसलिए इसमें अब एलोई व्हील आ जाएंगे। और एक चीज़ और, फ्रंट में भाई हेडलाइट वॉशर मिल जाएगा आपको, इधर से मतलब आप लाइट ऑन करो और वाइपर से जो उधर बटन है वो करोगे तो हेडलाइट आपकी वॉश हो जाएगी। फ्रंट लुक बहुत मतलब प्यारी लग रही है, बहुत छोटी सी गाड़ी लग रही है, मतलब फर्स्ट टाइम इतने क्लोज से मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस करा, गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है अगर थार से कंपेयर करोगे तो। भाई कई बार ऐसे भी कई बार ऑप्शंस आ जाते हैं, कई बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल पाती ऑफ रोडिंग में, छोटी निकल जाती है। तो बिल्कुल ऐसे इसको डल ना मानो कि छोटी सी गाड़ी है, 15 इंच के टायर है, क्या ऑफ रोडिंग करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई जगह भाई थार अटक सकती है, ये निकल जाएगी क्योंकि इसका बॉडी वेट कम है, ठीक है। और प्रॉपर लुक की बात कर तो भाई अपना जीप लुक है ही, साइड में आ जाओ इधर अपना इंडिकेटर्स आ जाएंगे, और ORVMs अपने भाई ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा साइड में। रिक्वेस्ट सेंसर उधर भी है और इधर भी, और पीछे वाले गेट पे भाई अपना रियर गेट पे भी अपना रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएंगे। साइड में आप लोग देख सकते हो 5 डोर में है, थार अपनी फिर भी 3 डोर आ जाती है, उसके चांसेस है 2024 में 5 डोर आने के। ये अपनी 5 डोर अभी इस टाइम 5 डोर ही है, ये पता नहीं 3 डोर में कब आएगी, ठीक है। रियर की बात कर तो भाई सबसे पहले बूट इसका फ्यूल टैंक आ जाएगा, 40 लीटर का फ्यूल टैंक आ जाएगा। इधर अपना एंटीना आ जाता है, बहुत प्यारा लग रहा है, इसकी अगर पोजीशन देखोगे तो बहुत नेक्स्ट लेवल लग रही है, साइड में बीच से बढ़िया साइड में बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे बात करता हूँ, स्पेयर व्हील ऐसे दिख जाएगा आपको भारी, और उसके ऊपर ये एक ब्लैक गार्निश में बिल्कुल लग रहा है, और मतलब अगर एक स्पेयर व्हील छोड़ते तो इतना अच्छी नहीं लगती, जिससे ये ग्लो आ रही है भाई रियर में। इधर भी अपना रिक्वेस्ट सेंसर आ जाएगा जिमनी की, इधर बैजिंग आ जाएगी, और इधर ऑल ग्रिप की मतलब अपनी 4x4 आ जाएगी ये गाड़ी, ठीक है। नीचे अपने इंडिकेटर्स टेल लैंप्स वगैरह आ जाएंगे, और अपने कंडक्टर साइड भी भाई रिक्वेस्ट सेंसर आ जाएगा गाड़ी में देखने को, ठीक है जी। अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो आ जाओ आप, इधर आओ मैं उधर से आता हूँ। इंटीरियर की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले 9 इंच की टच स्क्रीन आ जाएगी, ये आपको जेट्टा में 7 इंच की आएगी, इसमें भाई 2 इंच बड़ी है स्क्रीन, ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह अपना सब डिजिटल है। गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल भी आ जाता है अपने भाई अल्फ़ा में, ठीक है, ये जेट्टा में नहीं आएगा, ये अल्फ़ा टॉप मॉडल में है, मैनुअल में है, इसमें टॉप मैनुअल में है भाई ये, और इसमें ऑटोमेटिक भी आ जाती है। और गियर की बात कर तो भाई इसमें 5 गियर देखने को मिल जाएंगे, 6 वाला कोई सिस्टम पानी नहीं है इसमें। और गाड़ी देखोगे तो बोर्ड नेक्स्ट लेवल है, ऑल ब्लैक है, और अगर विंडो अप डाउन शीशे आपको ऊपर नीचे करने तो भाई इधर से हैं ये बटन, ये देख लो, ये रे भाई ये अपने 2 बटन ऊपर नीचे कर सकते हो आप शीशे को, ठीक है। ये अपना सिंपल मैनुअल का, और ये आ गया अपना ऑफ रोडिंग का गियर, 2H 4H और 4 लो, हार्ड कोर ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो 4 लो लगा देना, ठीक है। मेन तो यही थे भाई फीचर्स। और इसकी माइलेज की बात करें तो भाई माइलेज अपनी 16 की क्लेम कर रही है मारुति, देखो बाकी कितनी, अगर सिटी में चला रहे तो इतनी दे देगी भाई माइलेज, ऑफ रोडिंग में तो अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो माइलेज भूल जाना, थार से तो बिल्कुल ही बोल जाना, इसका कुछ पता नहीं, अभी नई गाड़ी है, धीरे धीरे रिव्यूज़ पता लगेंगे। ग्लव बॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हो स्पेस इतना नहीं है ग्लव्स बॉक्स में, इधर आपको हैंडल देखने को मिल जाएगा, इधर एयरबैग, एक एयरबैग इधर मिल जाएगा। और कलर ऑप्शंस की बात करें तो भाई 4 ऑप्शंस में आ जाएगी, ब्लू, रेड, वाइट और पैरेट। और अगर डुअल टोन में लेने तो 20 से 22 हज़ार आपके अलग लगेंगे, रूफ़ आपको ब्लैक देखने को मिल जाएगी। आ जाओ पिछली रो में चलते हैं, आ जाओ भाई पिछले गेट में देखोगे तो इधर ही आ जाएगा भाई विंडो का अपना अप और डाउन, अलग से बटन है, बहुत प्यारा लग रहा है, और गाड़ियों की तरह नहीं है, प्रॉपर रग्ड लुक कहते हैं ना वो दे रखी है।
ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और आपको बूट स्पेस और दिखा देता हूँ। 216 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। बूट स्पेस भी भाई इनफ है इस गाड़ी के हिसाब से। एक तो मतलब 5 डोर बूट स्पेस अच्छा खासा दे रखा है। अगर इसके कंपैरिजन करो थार में तो कुछ भी नहीं है भाई, तुम एक अपना लैपटॉप बैग ही रख लो, वही बहुत है। इसमें कम से कम बूट स्पेस तो है। पीछे अपने को चार्जर देखने को मिल जाता है गाड़ी में, नेक्स्ट लेवल। स्पेयर व्हील आपका पीछे बूट पे लगाई हुआ है भाई। एक फीचर इसमें जो मिस हो गया, इसको आप डोर ओपन ऐसे करते हो, सिर्फ एक बार ऐसे कर दो, ये खुद पीछे जाएगी भाई। ये सेगमेंट में सिर्फ इसी गाड़ी में फीचर है और किसी में भी नहीं है। मतलब ये सेगमेंट किलर गाड़ी कह सकते हैं हम। ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो किसी में भी नहीं है। अगर आप कहते हो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये सिर्फ एक बार आपने हैंडल ऐसे खोलना है, ये नहीं कि पीछे तक लेके जानी है। ये भाई ये ऐसी कई छोटे छोटे पॉइंट्स गाड़ी को लग्जरी फील कराते हैं, मतलब ऑफ रोडिंग के साथ साथ लग्जरी भी। ये दोनों का कॉम्बो बहुत नेक्स्ट लेवल जिम्नी प्रोडक्ट कह सकते हैं, ऑफ रोडिंग प्लस लग्जरी। और इस गाड़ी की भाई मेन बात कर लें तो पुश स्टार्ट बटन में आ जाएगी अपनी रिक्वेस्ट आंसर आ जाएगी, यही मेन है। इसके हाईलाइट्स जो मतलब आपको और थार में देखने को नहीं मिलेंगे। प्राइसिंग की बात कर तो भाई आपको अप्रोक्स ये 13,68,000 अप्रोक्स की मिल जाएगी, और ऑन रोड 16 लाख की, मैनुअल ट्रांसमिशन अल्फा। तो वीडियो बताओ आपको कैसी लगी गाड़ी, बहुत नेक्स्ट लेवल है। ये कलर ब्लू कलर भी अच्छा है, ये वही वाला कलर है शायद रात को जो आपको ब्लैक दिखे, थोड़ा थोड़ा वैसा ही लग रहा है जो जिस तरह ब्लेनो में आता है। तो गाड़ी तो प्रीमियम लग रही है, ये चीज़ भूल जाना कि ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती। सबका यही है कि भाई टेक्निकली इसके जो नंबर्स है, टॉर्क है, पावर है, वो कम है थार से। लेकिन एक चीज़ ये भी है, इसका भाई वेट भी तो कम है। वेट कम है तो आपको इतना फील नहीं होएगा, लोग सिर्फ नंबर्स पे जाके गाड़ी को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट कम है, ऐसी ऐसी जगह से भी निकल जाएगी जिधर थार फंस सकती है। तो ये चीज़ तो आप छोड़ देना, गाड़ी बेकार है या कुछ भी। तो वीडियो बताओ आपको कैसी लगी। डेली ऐसी वीडियोस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें।